Domino's delivers it within 30 minutes. You can make this homemade delicious paneer tikka pizza within 15 minutes. To chalo, let's not waste our time and make paneer tikka pizza with the food stories by Aditi Joshi. पनीर टिक्का पिज़्ज़ा बनाने के लिए हम एक मिक्सिंग बोल में 4 टेबलस्पून दही लेंगे. इसमें हम ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर एंड गार्लिक की पेस्ट, 1 टेबलस्पून धनिया जीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1 टीस्पून क्रश्ड कसूरी मेथी. इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे. अब हम इसमें ऐड करेंगे 150 ग्राम्स पनीर क्यूब्स, 100 ग्राम्स कैप्सिकम क्यूब्स, 1 मीडियम साइज्ड अनियन के क्यूब्स एंड इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे. अब हम पिज़्ज़ा ब्रेड पे बटर स्प्रेड करेंगे. मैंने बटर में सीजनिंग, ओरिगैनो एंड चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं. हम इस पे पिज़्ज़ा सॉस स्प्रेड करेंगे. अब हम इस पे मैरिनेटेड पनीर एंड वेजिटेबल्स स्प्रेड कर लेंगे. नाउ वी विल स्प्रेड ग्रेटेड चीज़ ओवर इट. I have used Lakhani Dairy's melted cheese. Lakhani Dairy is an upcoming brand from Gujarat. You can even place your orders on this number. Now we will sprinkle oregano and chili flakes over it. Now we will grease the baking plate. Place pizza over it. Meanwhile, हम एक कढ़ाई में 1.5 कप सॉल्ट प्लेस करेंगे एंड 15 मिनट्स इसे प्री हीट कर लेंगे. And bake it for 10 minutes. And our paneer tikka pizza is ready to be served. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो please subscribe to our channel and hit the bell icon ताकि हम जब भी super delicious and झटपट recipes upload करें आपके mobile में घंटी बजती रहे.